ओम शांति। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 जून के ईश्वरीय वरदान को, जहाँ पर हम पता करेंगे कि परमात्मा पिता हमें कैसे निर्माणता के द्वारा और साथ ही साथ निराशा को हटाने के द्वारा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो हम करेंगे टोटल रिकॉर्डिंग करेंगे 4 दिन की, 20 तारीख से लेकर के आज 23 तारीख की, क्योंकि हमने योगा डे के कारण, ट्रैवलिंग के कारण हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग जो होगी, मतलब कि 20 तारीख और 21 तारीख की रिकॉर्डिंग जो होगी, वो आपको आज सुनने के लिए मिलेगी, और फिर 22 और 23 तारीख की कल आपको सुनने के लिए मिलेगी, और जो 24 तारीख की रिकॉर्डिंग होगी शाम की, वो आपको शाम को मिलेगी सुनने के लिए। छोटी रिकॉर्डिंग्स होंगी, 3 से 4 मिनट की, आप इनको एंजॉय करें। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा कहते हैं आज की रिकॉर्डिंग में कि निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भवा। कहने करती है बाबा का वरदान में, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, ये दृढ़ता हो हमारे अंदर। विजय माला मेरा ही यादगार है, ये स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो कि नहीं हुआ, गिरे फिर से काम, क्रोध लोभ मोह अहंकार में आए, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आगे बढ़ सकता या बढ़ सकती हूँ, मैं हमेशा ही ऐसे गिरते रहूँगी कि कैसे होगा। परमात्मा कहते हैं निराशा नहीं, दृढ़ संकल्प करो और आस्ते आस्ते आगे बढ़ते चलो, आगे चढ़ना ही बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं साथ ही साथ अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। या तो आपको अभिमान आ जाए किसी प्रकार का, आप किसी से तुलना करना शुरू करें, किसी के अंदर की कमियां खोज करके भी हमें खुशी मिलती है, वो एक झूठा अभिमान है। तो वो औरों की खुशियां में खुश खुश होना, औरों के दुख में उनको आगे बढ़ाना, औरों की कमजोरियों को हटाने में आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं निर्माणता, मतलब कि ह्यूमिलिटी। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, जिनको अभिमान होता है उनको अपमान, छोटी छोटी बातों में अपमान होता है, किसी को समय नहीं दिया, किसी को पूछा नहीं, किसी से बात नहीं करी, किसी को भूल गए, अपमान फील हुआ। इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन, निर्माण बनो, तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। और जिसको अभिमान होता है वो व्यक्ति हमेशा अकेला महसूस करते अपने आप को, क्योंकि उसको अपने बारे में जो सच्चाई है वो पता नहीं होती है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। इसलिए उस व्यक्ति को दूसरे के अंदर कमियां ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि खुद के दर्पण ही साफ नहीं होते हैं। और जब हमें औरों के अंदर गलतियां दिखती हैं, कमियां दिखती हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं अपने अंदर झूठा अभिमान है और झूठा प्राइड है। परमात्मा कहते हैं ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब चीज़ जानते हो, तो आप पुरुषार्थ करना, मेहनत करना छोड़ देते हो और औरों के अंदर गलतियां देखना शुरू करते हो। और दूसरा है, आपको अपमान महसूस होता है। साथ ही साथ परमात्मा कहते हैं अगर आप डिसहार्टन्ड होते हो कि आपको ऐसे फील होता है कि आप ठीक नहीं हो, आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए नहीं हो, या बढ़ नहीं पाओगे, या आपके लिए मार्क बना नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ एस्टीम कहें या स्वाभिमान, जो कि स्व का, स्व मतलब सत्य, अभिमान वो भी नहीं आपके अंदर। तो दोनों को कैसे हम हटाएं, निराशा को हटाना है तो स्वमान में रहना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट में, और अभिमान को हटाना है तो नम्रता में अपने आप को देखें, अपने आप को स्वमान में रखें। और छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपको इंसल्ट फील होती है तो उस छोटी छोटी बातों को हटाना शुरू करें और अपने आप को संपूर्ण करना शुरू करें। करें कैसे ये दोनों चीज़, इसी को तो हम ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं, और आप भी आकर सीख सकते हैं इन चीज़ों को इसके साथ। ओम शांति।